यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और अब सीधे रुख करेंगे राजस्थान के धौलपुर का, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मैं तो चौकीदार बनूं। अब मजे की बात यह है, उन्होंने आपको यह नहीं बताया किसके चौकीदार बनना चाहते हैं। उन्होंने आपसे बताया कि मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। पता लगा अनिल अंबानी जी की चौकीदारी हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी है, 70 साल से हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए विमान हवाई जहाज बना रही, जैगुआर हवाई जहाज, मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, अलग अलग हवाई जहाज उन्होंने बनाए। और ये हवाई जहाज हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में हजारों युवाओं को इंजीनियरिंग की नौकरी में रोजगार मिलता है। यूपीए सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को राफाल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दिया। राफाल हवाई जहाज को यूपीए की सरकार ने 526 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा। खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, 126 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट था, एचएएल को मिलना था। 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदवाया। मतलब जितना पैसा कांग्रेस पार्टी 126 हवाई जहाज को खरीदने में लगा रही थी, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 36 हवाई जहाज खरीदने में लगाया। एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब किसान जब कर्जा माफी की बात करता है तो वो कोई तोहफा, कोई गिफ्ट नहीं मांग रहा है। वो मुफ्त में कोई गिफ्ट नहीं मांग रहा है। अनिल अंबानी पर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। मतलब विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके भागा, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भागे और अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। अनिल अंबानी जी ने कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले कंपनी खोली जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। अनिल अंबानी जी नरेंद्र मोदी जी के साथ फ्रांस में डेलीगेशन में गए। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि देखो सौदा करना है तो सिर्फ अनिल अंबानी को मिलेगा, अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो तो अनिल अंबानी को दो, नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। किसके शब्द? राहुल गांधी के शब्द नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति, एक्स राष्ट्रपति हॉलैंड के शब्द। और उन्होंने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें साफ बताया, फ्रांस की सरकार ने निर्णय नहीं लिया, राफाल कंपनी बनाने की कंपनी ने निर्णय नहीं लिया, नरेंद्र मोदी जी ने सीधा हमें बताया कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, हमने कर दिया। मतलब 45,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान के जेब में से निकालकर, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में से निकालकर अनिल अंबानी के जेब में नरेंद्र मोदी ने डाला। मैंने उनसे बोला चौकीदार जी, प्रधानमंत्री जी, आप एक बात बताइए, आपने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? आपने एचएएल से क्यों छीना? आपने हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों छीना? 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, हमें समझाइए क्यों किया?
आप में आप मिला के मैंने बोला, जैसे मैं आप में आपकी आप में आप मिला रहा हूं। कभी नरेंद्र मोदी यूं देखे, कभी यूं देखे, कभी ऊपर देखे, कभी साइड पे देखे, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान